नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जीआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में, और वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर कई बार राजपुताने का अबुल फजल भी लिखा आ सकता है, तो आपको याद रखना है राजपुताने या राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मुहनौत नरसी को। इसका सी ऑप्शन राइट है। ये किन्होंने क्या था, ये कहा था मित्रों मुंशी देवी प्रसाद ने, राजपुताने का अबुल फजल मुहनौत नरसी को। और दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं मुहनौत नरसी की। एक है मारवाड़ा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, और दूसरी रचना है मित्रों मुहनौत नरसी रिख्यात, ये आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये मंत्री थे, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो दोस्तों, बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है, इसका ऑप्शन बी राइट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बागौर की सभ्यता कहाँ स्थित है तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा में, ये कोठारी नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्वानों का जन्मदाता उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है विद्वानों का जन्मदाता उपनाम से जाना जाता है बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को, इसका ऑप्शन बी राइट है। ये जो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह हैं, ये बीकानेर के महाराजा करण सिंह के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना, करण सिंह के पुत्र थे। और दोस्तों, जो अनूप सिंह हैं महाराजा, इनको औरंगजेब ने महामरातिब की उपाधि दी थी, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, महामरातिब, महामरातिब की उपाधि औरंगजेब के द्वारा महाराजा अनूप सिंह को दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरनसर को, इसका ऑप्शन बी राइट है, लूणकरनसर बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर, 1360 मीटर, और ये सिरोही जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं पिपलूद, जो कि बाड़मेर में स्थित है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाबों की नगरी उपनाम से किसको जाना जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाबों की नगरी उपनाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पुष्कर, जयपुर, राजसमंद, उदयपुर, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए, पुष्कर है, इसको गुलाबों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। इनके अलावा जो पुष्कर है, इसके और भी उपनाम है, तीर्थराज कहते हैं इसे, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, पंचम तीर्थ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर के किले का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों कि प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर के किले का निर्माण किसके अनुसार करवाया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट है, हर्षनाथ की चोटी जो कि सीकर में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 820 मीटर। रघुनाथगढ़ की चोटी, ये भी सीकर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों, जो खो चोटी है, ये जयपुर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। और गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहते हैं, यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1722 और 27 दोनों राइट है, यह आपको ध्यान रखना है, 1722 मीटर भी राइट है, 1727 मीटर भी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
दोस्तों इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है मित्रों रामसागर अभयारण्य कोटा में नहीं स्थित है। रामसागर अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। तो इसका डी सुमेलित नहीं है। बाकी बात करें सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, रणथंबोर, सवाईमाधोपुर, सरिस्का, अलवर, ये सभी राइट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं वालरा। इसका ऑप्शन ए राइट है, जिसे चलायमान खेती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई? तो दोस्तों 19वीं जो पशुगणना हुई थी राजस्थान में वो हुई थी 2012 में। इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई थी? तो दोस्तों गंग नहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस नहर को बनवाया गया था और ये किस वर्ष बनकर तैयार हुई थी? 1927 में। इसका ऑप्शन बी राइट है। इसका उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता के पुजारी के संतान नहीं होती है, वह पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाता है? बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के पुजारी के संतान नहीं होती है और वह पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाए, मियाजी मंगलिया के पुजारी के संतान नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी का जन्म कब वह कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम स्वत 1003 ददरेवा चुरू में। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे गोगा नवमी कहते हैं, विक्रम स्वत 1003 ददरेवा चुरू, यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ तीन फैक्ट आपके याद हो रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से याद कर ले क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोगा जी के माता पिता का क्या नाम था? लोक देवता गोगा जी के माता पिता का नाम था मित्रों बाछल और जेवर सिंह चौहान, यानी कि गोगा जी की माता का नाम बाछल और पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। इसका ए ऑप्शन राइट है। 17वां क्वेश्चन है मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडो की पाल है मित्रों फ्लोराइड के उत्पादन के लिए विख्यात है, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो दोस्तों बात करें रेलवे की सुविधा तो बांसवाड़ा जिले में नहीं है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों AW प्रदेश ये कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है डूंगरपुर जिले में, इसका डी ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। AW का अर्थ होता है मित्रों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके तहत औसत जो वर्षा होती है वो होती है मित्रों 80 से 90 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है 80 से 90 सेंटीमीटर AW प्रदेश में वर्षा होती है। AW प्रदेश किन किन जिलों में पाया जाता है? तो आप याद रखें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं सिरोही, इन जिलों में पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खनिज मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? तो बात करें मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त खनिज है जिप्सम, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ है वनो उत्पाद, दूसरी तरफ है वृक्ष, तो इमारती लकड़ी है ये शीशम से प्राप्त होती है, ये राइट है। चारकोल किक्कर से प्राप्त होता है, ये भी राइट है। कत्था ये खेर से प्राप्त होता है, ये भी राइट है। बीड़ी दोस्तों पीपल के पत्तों से नहीं बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से, ये आपको ध्यान रखना है। इसका डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था?
तो दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम रेल मार्ग है वो 1873 में खोला गया था, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जंगल प्रदेश मित्रों बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ का जो सबसे बड़ा मेला है वो है कपिल मुनि का मेला, जो कि कोलायत बीकानेर में लगता है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला किस जिले में भरता है? मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला किस जिले में भरता है? तो ये भरता है मित्रों जैसलमेर जिले में, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है रामदेवरा मेला। अगला क्वेश्चन है, हिंदू जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला ऋषभदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों हिंदू जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऋषभदेव जी का मेला है और ये लगता है दुलेव उदयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आड़ूती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो सीताबाड़ी का जो मेला है मित्रों हड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, यह लगता है शाहबाद बारा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला किस जिले में भरता है? तो दोस्तों याद रखना, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? महावीर जी का मेला और यह भरता है करौली जिले में। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमाव है? तो देश का सबसे अधिक जो सीसा जस्ता का एकल जमाव है वो है जावर उदयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में बालुओं का जो पहला संरक्षित क्षेत्र है मित्रों वो है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, जो कि स्थित है जालौर में। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से, इसका ऑप्शन बी राइट है। कब हुआ था? 1973 में। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्वाई माधोपुर में स्थित है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में, ये आपको ध्यान रखना है। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? बताइए दोस्तों राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो दोस्तों मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर संभाग में, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो दोस्तों बात करें जैसलमेर बेसिन में जो नदी नहीं गिरती है वो है लीलड़ी नदी, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर दरा या बर पास भी कह सकते हैं इसे, राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए दोस्तों ये जो बर दर्रा है यह राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है अजमेर जिले में अवस्थित है बर दर्रा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध अस्थित है? तो चंबल परियोजना पर अस्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क प्रकार की, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो दोस्तों राजस्थान की जो मरुस्थलीय बालू है इसका प्रमुख स्रोत है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल अस्थित है? तो मानसागर झील में स्थित है, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों बात करें थारपारकर, गिर, राठी, ये तो गाय की नस्लें हैं। मुर्रा ये भैंस की नस्ल है, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है मुर्रा भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला है? तो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला है बाड़मेर, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबोक हवाई अड्डा। ऑप्शन आपके सामने अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में। तो ये उदयपुर में स्थित है डबोक हवाई अड्डा, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का कोई भी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है जालौर के किले के बारे में, कांचनगिरी, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संत मल्लिक साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों संत मल्लिक साहब की दरगाह यह जालौर के किले में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मल्लिक साहब की जो दरगाह है वह जालौर के किले में, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? बताइए दोस्तों दादूपंथी उप संप्रदाय कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चांडाल दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। बाकी बात करें खालसा, नाग, खाकी, ये दादूपंथी संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है महाराणा राजसिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय प्रदान किया? बताइए दोस्तों महाराणा राजसिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है, अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो दोस्तों आपको मैं बता दें तराइन के दो युद्ध हुए हैं, एक तो 1191 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध मित्रों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। प्रथम पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीते थे और दूसरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाए, 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध है, यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्रों से संबंधित है? तो दोस्तों हेला ख्याल जो लोक संगीत है यह दौसा, सवाईमाधोपुर, इन दो जिलों से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बताइए दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये भेजी थी क्रोली के राज्य ने, इसका ऑप्शन बी राइट है। क्रोली राज्य ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? तो दोस्तों उनका नाम था अंजना देवी चौधरी, सी ऑप्शन राइट है। ये अजमेर की महिला राजनीतिज्ञ थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, इन्हें इनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंजना देवी चौधरी, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विमल शाह द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये देलवाड़ा में स्थित है, इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, इसका ऑप्शन ए राइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जालौर दुर्ग के प्रथम द्वार का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन रहता था सूरजपोल। जालौर दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है, आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूँ क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? ऑप्शन आपके सामने है चौहान राजवंश, प्रतियार राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवा राजवंश। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।